सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नोकिया के फोन हम सभी को प्यारे हैं, पिछले बहुत समय से हम इनको काम में लेते हुए आ रहे हैं और अभी हम वेट कर रहे हैं नोकिया 3, नोकिया 5, नोकिया 6 का। लेकिन यहां पर दोस्तों फिलहाल मेरे पास में है नोकिया 3310। इस फोन को मैं पहले हालांकि यूज कर चुका हूं करीब 17 साल पहले और अभी आ गया है वापस से मार्केट में। करते हैं इस रिटेल बॉक्स की अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट्स क्या है और क्या खास है नोकिया के इस 3310 में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है रिटेल बॉक्स नोकिया 3310 स्मार्टफोन का, काफी कलरफुल, काफी ट्रेंडी छोटा सा ये बॉक्स है और यहाँ पे आपको पीछे मिलते हैं कुछ क्विक हाइलाइट, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल कैमरा, 22 घंटे का टॉक टाइम, 25 दिनों का स्टैंड बाय टाइम, स्नेक गेम है प्री इंस्टॉल, रोपला स्टोर से आप गेम्स और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एफएम रेडियो वगैरह आप इसमें लगा सकते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड वगैरह आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ बॉक्स कंटेंट्स की आप इन्फॉर्मेशन है और ये बेसिकली एक ड्यूअल सिम डिवाइस है। और अगर मैं बात करता हूँ कलर की तो ये है दोस्तों वार्म रेड कलर में। तो आइए करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि यहाँ पे क्या खास है इस नोकिया 3310 में। और यहां पे दोस्तों ये है फोन, इसको रखते हैं एक बार साइड में। जो बॉक्स कंटेंट्स हैं वो होने वाले हैं स्टैंडर्ड, जैसे कि ये है नोकिया की बैटरी जो कि है शायद 1200 mAh की, आई थिंक BL4UL जो कि एक 1200 mAh की बैटरी है, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहां पे, और काफी लंबा बैकअप आपको मिल जाएगा। ये है एक नॉर्मल माइक्रो USB चार्जर, पतली पिन मोटी पिन वाला जमाना चला गया है। और यहां पे मिलते हैं आपको कुछ स्टैंडर्ड ईयरफोन्स जो कि बिल्कुल एकदम चीप हैं, लेकिन भाई ये फोन भी चीप ही है। और साथ में आपको मिलती हैं कुछ क्विक स्टार्ट गाइड्स इंग्लिश और अरेबिक में, बिकॉज मैंने इसको किया है दुबई से। और यहां पे दोस्तों ये जो फोन है इसमें कुछ खास है, और खास ये है कि जो फोन है वो दिखने में बहुत ही कमाल का लगता है। ये है दोस्तों पुराना नोकिया 3310, तो सामने से काफी आपको सिमिलर फील मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे लेकिन साइड से थिकनेस जो है वो इस फोन की ऑलमोस्ट हाफ हो गई है, काफी एक लाइट वेट और कॉम्पैक्ट सा फोन लगता है और आज के टाइम में आप इसको एक सेकेंडरी फोन काम में ले सकते हैं। लेकिन जो खास है वो है ये दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलता है स्पेशल टेक्निकल गुरुजी का लोगो, तो ये एक बहुत ही कमाल का फोन है। और जो गिव अवे है उसके विनर ने मुझे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है, कार्तिक दास ने, तो शायद इसका मैं दोबारा गिव अवे करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस फोन का गिव अवे हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, देखते हैं बाद में कि कितने लाइक्स मिलते हैं और बाद में गिव अवे हो पाता है नहीं, या फिर क्या पता कार्तिक दास मुझे तब तक कॉन्टैक्ट कर लें। यहाँ पे दोस्तों जो फोन है इसमें आपको नीचे मिलता है एक 3.5 mm का ऑडियो जैक, बैक पैनल ओपन करने के लिए यहाँ पे छोटा सा स्लॉट है, उसके अलावा आपको ऊपर मिलता है माइक्रो USB पोर्ट चार्जिंग के लिए, सामने आपको मिलता है 2.4 inch का कलर डिस्प्ले। अगर मैं दिखाऊं पीछे से खोल के, तो यहाँ पे खोलने के बाद में आप इसमें 2 अलग अलग सिम कार्ड्स लगा सकते हैं आपको, उसके अलावा माइक्रो USB कार्ड लगाने का स्लॉट मिल जाएगा। जल्दी से बैटरी लगाते हैं, करते हैं इसको बूट। तो यहां पे जो फोन में बैटरी लगा दी, फोन को ऑन करेंगे तो नोकिया ओके, हाथ मिलते हैं नहीं मिलते वो देखते हैं, हाथ मिलेंगे 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 नहीं, हाथ नहीं मिले, सिर्फ आवाज ही आई और बस ये टाइम वाइम आ गया। चलो इसको अपन सब कुछ बाहर निकल जाते हैं सीधा, और ये आ गया दोस्तों बेसिकली फोन। और यहाँ पे स्नेक गेम है, बेसिक आपको मेन्यूज मिलते हैं। आपको मालूम ही है इस फोन से इतना ज्यादा जो है वो लगाव हमको हो चुका है, मतलब पर्सनली मुझे हो चुका है, आपका मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं इस फोन को भी काम में ले रहा था लेकिन इसका जो चार्जर है वो मुझसे कहीं खो गया, इसलिए मैं इसको चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ, वरना ये भी काफी कमाल का फोन है और एकदम हथौड़ी की तरह काम करता है। और ये है दोस्तों नोकिया का 3310 स्पेशल एडिशन, जहां पे आपको पीछे की तरफ मिलता है टेक्निकल गुरुजी का ये लोगो। दोस्तों ये है फोन, आगे चल के आपको इसका एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूं, इसके बारे में कुछ और हम बातें करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।